राजस्थान में उठी बगावत की आग यूपी छत्तीसगढ़ पहुंची। गहलोत को मिली माफी पर कांग्रेसियों ने हाईकमान को घेरा। कांग्रेस के कई नेताओं ने माना गहलोत को बगावत का मास्टरमाइंड। क्या जादूगर का फिर चल गया कांग्रेस हाईकमान पर जादू? 24 घंटे पहले अशोक गहलोत पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रहे थे। रविवार को उनके समर्थक विधायकों की बगावत ने गहलोत को कांग्रेस में अविश्वसनीय बना दिया। कांग्रेस का संकट मोचन ही पार्टी का संकट बन गया था। विधायक जब विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंचे तो गहलोत ने मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने सफाई दी। इसमें उनका कोई हाथ नहीं है, विधायक भी उनके हाथ में नहीं है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया कि इतनी बड़ी बगावत उनके सहमति के बिना हो ही नहीं सकती। लेकिन जब खड़गे और अजय माकन दिल्ली पहुंचे तो पूरा खेल ही पलट गया। अशोक गहलोत को पूरी तरह से क्लीन चिट मिल गई। गहलोत ने सोनिया गांधी से राजस्थान में हुई पार्टी की फजीहत को लेकर माफी भी मांग ली, पार्टी के प्रति वफादारी की कसम खाई। दावा यहां तक किया जा रहा है कि अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी को इस्तीफे की पेशकश भी कर दी। वैसे सोनिया गांधी ने तो पहले ही गहलोत को इस्तीफा तैयार रखने का कह दिया था। नए नेता के चुनाव के लिए ही 26 सितंबर को विधायक दल की बैठक जयपुर में गहलोत के आवास पर बुलाई गई थी, लेकिन बैठक हुई नहीं, बवंडर जरूर हो गया। अब पार्टी इसमें हुई नुकसान की भरपाई में जुटी हुई है। गहलोत के करीबियों को नोटिस दिया जा रहा है, 10 दिन में जवाब मांगा जा रहा है, लेकिन नोटिस और इसका जवाब अब सवालों में फंस गया है। सबसे पहला सवाल प्रियंका गांधी के सलाहकार कहे जाने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उठाया। उन्होंने ट्वीट किया, बगावत के सूत्रधार तो कोतवाल हैं और कार्यवाही सिर्फ हवालदारों पर। प्रमोद कृष्णम ने नाम भले ही ना लिया हो, लेकिन उनका इशारा साफ साफ अशोक गहलोत की ओर है। बगावत की पूरी कहानी का असली गुनहगार अशोक गहलोत को करार दिया है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री टीएस सिंहदेव का दर्द भी बाहर आ गया। सिंहदेव समर्थक दावा करते हैं कि जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी तो राहुल गांधी के सामने सीएम पद का ढाई ढाई साल के लिए बंटवारा हुआ था। पहला ढाई साल भूपेश बघेल और दूसरा उन्हें मिलना था। बघेल ने ढाई साल बाद भी कुर्सी नहीं छोड़ी। अब तो 4 साल होने को आए हैं, लेकिन उन्होंने बगावत नहीं की। जबकि गहलोत को तो पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी मिल रही थी, लेकिन वो सिर्फ अपने एक विरोधी को रोकने के लिए बागी हो गए। सिंहदेव ने कहा, जो व्यक्ति अपने विधायकों को संभाल नहीं सकता वो कांग्रेस को कैसे संभालेगा? अगर उनके राज्य के विधायक उनकी नहीं सुनते हैं तो पार्टी के नेता कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उनकी बात कैसे मानेंगे? सिंहदेव ने गहलोत पर आरोप लगाने के साथ ही उनकी क्षमता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी नेता गहलोत को मिली माफी से नाराज दिख रहे हैं। अब ये भी दावे किए जा रहे हैं कि हाईकमान गहलोत को एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकता है। दरअसल कांग्रेस में अशोक गहलोत को काबिल मैनेजर माना जाता है। ऐसे में अशोक गहलोत एक बार फिर अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल हो गए हैं, और अगर पार्टी उन्हें अध्यक्ष पद नहीं देती है तो फिर ये तय माना जा रहा है कि राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा और अशोक गहलोत की कुर्सी बरकरार रहेगी। यानी अशोक गहलोत जो चाहते थे वो उसमें कामयाब हो गए हैं। गहलोत नहीं चाहते थे कि सचिन पायलट को सीएम की कुर्सी मिले। यानी साफ हो गया है कि अशोक गहलोत अपनी चाल में कामयाब हो गए हैं। उन्होंने एक तीर से कई निशाने साध लिए हैं। अब ये तय दिख रहा है कि 2023 में होने वाला राजस्थान विधानसभा चुनाव अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज़।